आज हमारा सीनू 4 साल का हो गया है। सच, वक्त का पता ही नहीं चलता ना कि ये कब और कैसे गुजर जाता है। पर ये पल हर पेरेंट्स के ज़िंदगी का सबसे यादगार, सबसे खूबसूरत वक्त बन जाता है। और हम सभी कोशिश करते हैं कि इस वक्त को अपनी आँखों में, अपने कैमरा में हमेशा के लिए कैद कर लें, है ना? कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बा से हमारे ज़िंदगी का वो बहुत ही खास दिन है जब सीनू 4 साल का हो गया है, और हम इसे भी उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल इवनिंग बनाना चाहते हैं। सो उसी के लिए हमने कुछ तैयारियां की है, चलिए उसे देखते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द एरिया जिसे हमने सिलेक्ट किया है आज की इस इवनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह से डेकोरेट करेंगे। As we are in complete lockdown, so it was quite difficult for us to bring everything what he wanted, but he is a big fan of Toy Story, and on his birthday all he wanted was Toy Story, so we tried to bring that to him. All we wanted to see him excited and happy on his birthday, and we were quite successful in that. Because of this lockdown he was quite frustrated stucking at home, but now he was really happy and excited on his birthday. It was a beautiful and magical evening for him, and this is all we wanted, to see him happy.
एंड आई विश कि आप सभी अपनी लाइफ के ये ब्यूटीफुल स्मॉल लिटिल मोमेंट्स इसी तरह से एंजॉय करते रहें और आप सभी के चेहरों की मुस्कान बनी रहे. एंड नाउ आई एम लीविंग यू सम मेमोरीज फ्रॉम श्रेयंस फोर्थ बर्थडे इवनिंग एंड इट वॉज रियली अ ब्यूटिफुल एंड मेमोरेबल इवनिंग फॉर अस. होप यू ऑल आर स्टेइंग एट होम एंड स्टिल एंजॉइंग एवरी लिटिल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. थैंक यू फॉर बींग विद अस. Stay safe, be happy, take care always.